क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलियन स्काईडाइवर फेलिक्स बॉमगार्डनर, ये वो पहला इंसान है जिसने 14 अक्टूबर 2012 को स्पेस में जाकर वहाँ से जंप लगा दी थी। अब जैसे ही फेलिक्स जंप लगाते हैं तो इनके गिरने की स्पीड 1300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच जाती है, यानी कि उस समय इन्होंने स्पीड ऑफ साउंड को भी पीछे छोड़ दिया था। जल्द ही हवा में गुलाटियाँ खाते हुए फेलिक्स धरती की एटमोस्फियर में एंटर कर जाते हैं। करीब 4 मिनट के अंदर ही फेलिक्स मेक्सिको डेजर्ट में सेफली उतर जाते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। जुलाई 2025 में दुनिया से इंटरनेट खत्म होने वाला है, क्योंकि 2025 में सूर्य से एक बहुत ही खतरनाक सोलर स्ट्रोम निकलकर धरती से टकराने वाली है। और ये मैं नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा का कहना है कि अगर समय रहते वैज्ञानिकों ने इसका कोई हल नहीं निकाला तो ये सोलर स्ट्रोम हमारी पृथ्वी पर भारी तबाही का कारण बन सकती है, क्योंकि ये सोलर स्ट्रोम इतनी ताकत के साथ धरती से टकराएगी कि दुनिया की सारी वायरलेस कम्युनिकेशन को एक समय के लिए पूरी तरह से खत्म कर देगी, और साथ ही तूफान और ज्वालामुखी के फटने की घटना भी होने की संभावना की जा रही है। और कुछ वैज्ञानिकों का तो ये तक कहना है कि अगर इसका हल नहीं निकला तो धरती पर इतना खतरनाक विनाश होगा कि पृथ्वी फिर से एक आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। क्या आपको पता है स्टीफन हॉकिंग ने एक बार ये कहा था कि यह दुनिया असली नहीं है बल्कि ये एक सिमुलेशन है। अब उस समय उनके बातों को ज्यादा महत्व नहीं दी गई, लेकिन आज कई वैज्ञानिक इससे हाई प्रोबेबिलिटी मानते हैं। जैसे आपने कभी GTA जैसे गेम खेला होगा तो उसमें कई लिमिटेशन होती है, ठीक वैसे ही इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ लिमिट्स है। जैसे हम लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकते, हम किसी एक गैलेक्सी से किसी दूसरी गैलेक्सी में नहीं जा सकते, और सोचने वाली बात यह है कि इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोटी सी जगह पर जीवन मौजूद है जिस पर हम ह्यूमंस रहते हैं। इन सभी चीजों को देखने के एक बात तो स्पष्ट है कि हमारा कोई ना कोई क्रिएटर जरूर होगा, और अगर ऐसा है तो ये दुनिया सच में एक सिमुलेशन है। हम सोचते हैं कि ये हमारा सोलर सिस्टम है, लेकिन ये ऐसे नहीं बल्कि कुछ ऐसे नजर आता है जिसमें सूरज के पीछे पीछे ये सारे ग्रह जा रहे हैं। लेकिन ये सूरज जा कहाँ रहा है? क्या ये वापस अपनी जगह पर आते हैं? तो देखो, ये हमारा सूरज और बाकी स्टार्स मिल्की वे के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि मिल्की वे के बीच में है हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा ब्लैक होल, और हमारे सूरज को गैलेक्सी के सेंटर का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 250 मिलियन साल लग जाते हैं, और इसे एक गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। मतलब हम भी यूनिवर्स के अंदर 230 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हैं, तो फिर हमें स्पेसशिप में बैठने की जरूरत ही क्या है? हम तो फ्री में ही घूम रहे हैं, तो क्या ये एस्ट्रोनॉट्स बिना मतलब की मेहनत करते हैं? फैक्ट्स में दिलचस्पी है तो हमें फॉलो करना न भूले। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।